यहाँ तो 3-3 बजे रात में लुगाई गलियां के बाहर आके बैठ जाए, लाइट जाते ही पी पी के इधर मुंह करके बाथरूम करते हैं। हमारी लड़की भी बैठी है, भाई बहू भी बैठी है। अफसर बुलाए गए, वो कब आने लग रहे हैं, जैसा भी होगा समाधान से लुगाई बाहर आ जावे तो भाई बाहर आकर बतरान लग दे। राम राम सारे ने मैं उतर गला कुसुम को। इस टाइम में जींद में हूँ, जो हिंदू कॉलेज है अपना इसका साइड में, और इतनी सारी ये जो लुगाई है यार, बटली हो रही है, टीचर है और आगे जो नौजवान साथी भी हो रखे हैं, किस चीज ने लेकर ना यार जाम ला रखा है, इनते पूछेंगे और ये ठेका नहीं खुलेगा। इनके पोस्टर देख लो भाई, सारे जो हाथा में ले रहे हैं, ठेका नहीं खुलेगा, ठेका के कुछ मामला है, इनते पूछेंगे। पहले तो जी राम राम। राम राम जी सबको राम राम। देखो हम यहाँ पे सारा इतना बड़ा मोहल्ला है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, एक बार वहाँ पे घुमाओ कैसे लेडीज सारे यहाँ पे रह रही हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप 10 कदम आगे जाओगे हिंदू कॉलेज है, अगर इस तरफ आप जाओगे तो आपको महिला आवास नजर आएगा, पास में सेवा धाम है, पास में ही एक मंदिर है। तो आप मेरे को ये बताओ, ये लोकेशन आप इसको भी देखो, ये ठेका खुलने यहाँ पे जा रहा है शराब का, ठेका का ये वो करेंगे बिल्कुल। आप मेरे को ये बताओ कि ये प्रशासन को यहाँ पे इस ठेके की परमिशन क्या बात देनी चाहिए थी, क्या ये जगह क्या बात ठेके के लिए अनुकूल है कि नहीं है? प्रशासन को एक बार तो सोचना चाहिए कि मोहल्लों में इस तरह से ठेके खुलेंगे तो ये बहन बेटियां अपने घर से कैसे निकलेंगी, और कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो कैसे अपने कॉलेज से बाहर निकल के आएंगी। तो हमारी यहाँ पे प्रशासन से एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस ठेके की यहाँ से जो परमिशन है कैंसिल की जाए और इस ठेके को यहाँ से कहीं और पे शिफ्ट किया जाए। प्रशासन भी मौके में मौजूद है कि कुछ बातचीत हो, अभी बात करी है वो बोले जी डीसी साहब से, तो अभी ये सारी महिलाएं बैठी हैं, कहती ठीक है डीसी साहब आ जाएं, एसडीएम साहब आ जाएं, आके लोकेशन देख ले, अपने मुंह से ये कह दें कि हाँ भाई ये बहू बेटियों के लिए ठीक खुलने लग रहा है। बहू बेटियां ये सामने आप देख सकते हो कि वो किस तरह से हिंदू कॉलेज है, और साथ में लाइट की आपको पता है इतनी समस्या रहती है, महिलाएं क्या करती हैं जब लाइट चली जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकल के यहाँ कम से कम कुर्सी बिछा के बैठ तो जाते हैं, 3 बजे बैठती है यहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड आदमी तो है कौन की एसी चला के बैठे है, सबके छतरी लग रही है। यहाँ तो 3-3 बजे रात में लुगाई गलियां के बाहर आके बैठ जाए, लाइट जाते ही फिर कहाँ जाओगी, ठेके के सामने गली गली के अंदर शराबी फिरेंगे, यहाँ पे कैसे निकलेंगी फिर वे 10:30 बजे। हम तो छोटे आदमी है, आई समझ में, मारी बहन बेटी लाइट चली जावे इसमें सारे घूमे फिर कॉलेज में जावे, एक एक घंटा हम मारी बहु बस ना आवे तो खड़ी रहे है, हमारी को उसमें जावे मंदिर में जावे, और हमने रात नहीं देख लिया था इनका के पीपा के इनका गाड़ी गलो छोरे थे खूब गाड़ी रात नहीं गाड़ी गलो ये नुका है ना ठेके वाला जिसने किराए पर दे रखा, मैं हूं को नहीं देऊंगा दंगा, और क्यों नहीं देऊंगा, ये तो खुला भी को नहीं, जब तक पहला रहता भी वो ठेके वाला यहाँ बैठ के पैरा देगा बहु बेटियों 3-3 बजे लग रहा उस टाइम ने बात करी मैं बेटे इंसानियत का नाता, इंसानियत का नाता तो यो है कि हम बस्ती वाले हैं भैया, हाथ जोड़ कर प्रार्थना ही उठा दे नो बोलिया देख लेंगे वो नो बोलिया मंदिर भी है यहाँ। जब प्रशासन ने सुनवाई नहीं करी, सारे प्रशासन के पास बाहर लेके गए थे तो सुनवाई नहीं करी, तो महिलाओं के पास इसके अलावा चारा नहीं था, तो महिलाएं रोड पे बैठ गए, या तो ठेका बंद करा दो या फिर हम रोड पे बैठे हैं। बिल्कुल ये इतने सारे घर में मैं एक बंदा ही शराब पी लेता तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, और गली में ये 20 बंदे पी के निकलेंगे तो इस गली का क्या हाल होगा, यहाँ छोटे छोटे छोटी कॉलोनी है, छोटी छोटी बंद गलियां है हमारी यहाँ पे, इधर पी पी के इधर मुंह करके बाथरूम करते हैं, हमारी लड़की भी बैठी है, बहू भी बैठी है, सारे हम भी बैठे हैं, कैसे देखा है उनका। और मैम यहाँ कॉलेज की लड़की आती जाती है क्योंकि बस स्टैंड है ना, पुराना बस स्टैंड नए बस स्टैंड आगे चला गया है तो यही रास्ता बन गया आने जाने का, यहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ बहुत आती जाती है। बिल्कुल, और नहीं जी ये हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, बंद होना चाहिए, हम बहुत ज्यादा परेशान है, कोई परेशानी का ठिकाना नहीं है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारा बाहर निकलने के जोर बंद करवा रहे, हम ठेका बंद नहीं करवा रहे, कहीं मर्जी खोल ले जाके, हम यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। बिल्कुल भाई, यू देखो साइड में यार यू ठेका का बोर्ड भी लगा रखा है, बेटे बात करते हैं, अफसर बुलाए गए वो कब आने लग रहे हैं, जैसा भी होगा समाधान सोचेंगे।
डीटीओ साहब वगैरह आए हुए आने लग रहे, अभी हम मौके पर आए हैं, इनका जायजा ले रहे हैं क्या मैटर है, अभी बातचीत करेंगे इनसे मैटर क्या है। अभी आए हैं बेटे, अभी आए हैं, आले बातें इनसे बातें करते हैं, कौन इनका मुखिया है, उनसे सभी से बातें होंगी, जाम भी खुलेगा, इनका समाधान भी होगा, बातचीत भी करेंगे बेटे। तो भाई इस टाइम देखो हिंदू जो मारी मारी वो बैठी थोड़ी बहुत देर में खड़ी हो जा, क्यों कर खड़ी होवेंगी, मंदिर जावेंगी, मंदिर है, मंदिर है, डॉक्टर हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। अंकल जी ये गलत है, ये ठेका यहाँ खुलना, यहाँ महिला हॉस्टल है, इधर लड़कियों का कॉलेज है, इधर मंदिर है, और ये जो है ना बिल्कुल गलत है, बस्ती है, इधर इधर भी बस्ती है, तो महिलाओं का आना जाना है यहाँ सुबह, और इधर ये स्टॉपेज है, सुबह है ना स्कूल में बच्चे जाते हैं तो सारे यही महिला और बच्चे यही खड़े होते हैं सुबह सुबह, जैसे आज भी जैसे कागज चुगड़ियाँ आते हैं ना, तो सुबह सुबह दारू के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ दिक्कत बहुत होती है यहाँ, परेशानी बहुत है, बहुत लगे थी सब काल, यहाँ एक बुढ़ा पड़ा लिए दो बोतल, अच्छा हाँ रोड़ा कर गाड़ी बकर लग रखे के। तो भाई इनकी देखो एक मांग है, तो फिलहाल पुलिस प्रशासन आने लग रहा है, यानी कि और भी जो बड़े अधिकारी है वो आने लग रहे हैं, फिलहाल जो है इन सारे की यही डिमांड है कि भाई ठेका खोल लो लेकिन दूसरी जगह खोल लो ऐड नहीं। तो नमस्कार जी, पहली बात तो जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत इच्छा पूरी हुई है, ठेका तो जी देखो पॉलिसी के अनुसार खुले, मैं शराब ठेकेदार हूँ। सुमित है जी, शराब ठेकेदार हूँ। हाँ जी, अच्छा जी यार जाम लगा रखे, बड़ी परेशानी। देखो जी इनसे जो भी डिस्प्यूट होगा बात करेंगे, मुख्य बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने पॉलिसी के अनुसार खोल लिया। अच्छा अच्छा, हाँ जो भी बात होगी जी करेंगे, कोई चलो जी बातचीत तो होगी। फिलहाल ये शराब ठेकेदार है और हम तो ये शराब का ठेका यहाँ ना खुलेगा और किधर खुलेगा, जंगल में ना किसी और खोल लो। आज जहाँ लोकेशन पहले थी ना इनकी तो वहाँ खोल लिया, मेरे को ऐतराज नहीं, ये सनी मेरे सामने थी के भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ऐतराज है तो हम आपसे बात करेंगे, जिस भी बारे में बात है कोई दिक्कत नहीं, आपकी संतुष्टि होगी, ठीक है। चलो भाई वीडियो ने शेयर कर दी और तारी कह रहा है कि भाई इंदू कन्या कॉलेज के सामने की बात कर रही हूँ मैं, और यो जो पीछे था हम देख सको यो ठेका खोला है, इसने लेकर नहीं आड़े जो ताई चाची है बटड़ी हो रही है और ये जाम लगा रही है, इनका कहना है कि भाई ठेका खोल लो लेकिन याडे नहीं खोल लो, याडे जो क्योंकि छोरिया का भी घर आना जाना हर याडा आस पड़ास में जितनी भी लाइट लूट बैठ जाए ना लुगाई बह रह जावा, तो भाई बह रह कहना बतला लग जाए, तो फिलहाल शराब ठेके का जो ठेका है ना मतलब ये बिल्कुल सामना है। तो फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दी, अपनी राय जरूर कमेंट में बता दियो, मैं फिर तब तक के लिए राम राम। यहाँ पर आसपास की जो महिलाएं हैं, मोहल्ले की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और यहाँ पर एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, उसके विरोध में कि ठेका ना खुले है। उसके विरोध में इन्होंने रोजाम किया है। हमारी उच्च अधिकारियों से बातचीत हो रही है इस संबंध में, समस्या का समाधान निकालने के लिए अभी मौके पर आ रहे हैं, एक्साइज एक्ट के ऑफिसर आ रहे हैं अभी, कितने टाइम तक जाम लग रहा है, करीब आधा घंटा हुआ है जी।